पूरी दुनिया में यौम खातून कल मनाया जाना है और इस पूरे हफ्ते को यौम खातून के तौर पर मनाया गया। आज दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने भी कांग्रेस के दफ्तर में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। ओनिका जी, क्या था आज का मकसद इस प्रोग्राम के इनेकाद करने का, जबकि महिला दिवस तो कल है? बात कल और परसों की नहीं है, जाहिर सी बात है कल है, लेकिन मैंने अभी कहा ये हमने सिर्फ दिन के नाम पर नहीं बनाना, अगर ये दिवस है तो इस दिवस का लक्ष्य क्या है, हमने क्या काम करना है, किस तरह से महिलाओं को सक्षम बनाना है, उसकी एक पुख्ता एक तारीख होती है, उसमें हम प्लेज लेते हैं और जोर से काम करना चाहेंगे कि हर दिन हम इसको मनाएं, हर दिन हम महिलाओं की मदद करें। ये नहीं कि दिवस आया तो हमने भाषण दे दिए और उसके बाद हम कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में भूल जाएँ, औपचारिकता ना रह जाए, इस कार्यक्रम को यहाँ से और आगे बढ़ाया जाए, हर जिले में लेके जाया जाए। स्पेसिफिक कार्यक्रम हमने महिलाओं को दिए हुए हैं कि आप अपने लोकल थाने से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए, और भी जितने जो ऑफिसर्स हैं उस तक आपकी आवाज़ पहुँचे, उनको पता हो कि आप हर समय दिन के 24 घंटे आप उपलब्ध हैं, जब उनको मदद हो हमारी महिला आगे जाके मदद करें, महिलाओं को सपोर्ट करें, ताकि हम एक तरह से बाहें बने इस तरह के पुलिस के साथ या और भी जितनी एनजीओज हैं जहां मदद कर सकते हैं ताकि महिला सुरक्षित महसूस करें। अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली महिला कांग्रेस, खासकर महिला कांग्रेस इसमें प्रतिबद्ध है कि हम ये काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पूरी दुनिया में आज का जो डे है, कल का जो डे है वो मनाया जाता है, लेकिन फिर आखिर क्या रीज़न है कि बलात्कार की जो घटना है पूरी दुनिया में घटित होती है? इसीलिए तो यही मेरा कहने का मकसद है कि महिलाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ पुरुष को तो जोड़ा ही हमने, लेकिन जब महिलाएँ अलर्ट होंगी, समझेंगे इस बात को कि इसका सोसाइटी में कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जब वो कदम आगे बढ़ाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है पुरुष को कि उनकी तरफ आग उठा के भी देखें, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को हमें समझाना, उनको साक्षर करना, उनको बताना है इस दिन का महत्व, किस तरह से आगे काम कर सकते हैं। देखिए, आपको दिशा दिखानी पड़ेगी, रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्या कार्यक्रम है वो बताने पड़ेंगे, ताकि उस कार्यक्रम में आगे बढ़ सकें। इस तरह साफ है कि महिला दिवस के दिन ज़रूर महिला दिवस को मनाना चाहिए, लेकिन ये जो पूरा प्रोग्राम है ये सालों भर होना चाहिए, ताकि जो पैगाम है वो तमाम लोगों तक बखूबी पहुंचता रहे, और जिस तरीके से दुश्वारियाँ और परेशानियाँ आती हैं ख़ासतौर से महिला सिक्योरिटी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से दुरुस्त की जा सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंजरुल्लाह मुंसिफ, टीवी दिल्ली।